तो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा, इसमें हम देखेंगे दर्शक जो भारत की आंतरिक सुरक्षा है उसकी बात करेंगे। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा को आप ये कह सकते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में या उसके सामने जो चुनौतियाँ आती हैं उनको, चुनौतियों को उत्पन्न करने वाले और वो बाह्य राज्य की भूमिका की बात भी कर लेंगे, और फिर राज्यतर मतलब एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट, इन दोनों की भूमिका की हम बात कर लेंगे। ठीक है, इसलिए भारत में आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत बाह्य राज्यों और दूसरा हमारा रहेगा राज्यतर कर्तव्य की भूमिका के बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम वो एक्सटर्नल स्टेट्स की बात कर लेंगे। ठीक है, इनके भूमिका की बात कर लेंगे। देखिए यहाँ राज्यों का नाम हमारा, राज्य का नाम हमारा, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करें, राज्य का मतलब किसी देश से मतलब है। ठीक है, किसी कंट्री से मतलब है, राष्ट्र से संबंधित है। तो जब हम बाह्य राज्य की या बाह्य देशों की बात करेंगे तो सामान्यतः जो बाह्य देश हैं उनको देश की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत ही खतरा माना जाता था। यही तो माना जाता है कि जो बाह्य देश हैं वो हमारे देश की जो बाहरी सीमा है उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत खतरा माना जाता है। जैसे युद्ध हो गया या पारस्परिक अविश्वास के रूप में सामने आता था, यही चीज तो थी। तो दूसरे देशों से अपने देश की अगर आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो खतरा यही उत्पन्न होता था कि वो युद्ध कर सकते हैं, युद्ध करा सकते हैं, या फिर पारस्परिक अविश्वास पैदा हो सकता है एक दूसरे में, यही चीज थी। कहने का मतलब यह है कि वो बाहरी सीमा की सुरक्षा के दृष्टिगत ही खतरा माना जाता था। ठीक है, और इसके लिए जो देश है वो अपनी अपनी सीमाओं को मजबूत भी करते थे, मजबूत करते ही हैं, अपनी अपनी सीमाओं को मजबूत भी करेंगे और अपनी सैन्य क्षमताएं जो हैं उनको भी और बढ़ाने का प्रयास ही करते हैं, उनको ही बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है ये एक्सटर्नल स्टेट जो है वो युद्ध ना कर दें, हमला ना कर दें। ठीक है, एक क्या था, अविश्वास बना हुआ था। लेकिन आप जब वर्तमान समय की बात करोगे तो वर्तमान समय में ये बाह्य राज्य जो हैं, एक्सटर्नल स्टेट या बाह्य देश जो हैं, इनके द्वारा किसी राज्य की आंतरिक सुरक्षा को आप देखोगे अलग अलग माध्यमों से खतरा पहुंचाया जा रहा है या नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसे वो आतंकवाद हो गया, आतंकवाद के माध्यम से हो गया, या फिर अगर आप बात करो तो नकली जो नोट होते हैं उनके प्रसार करके, नकली नोटों के प्रसार के द्वारा, या मादक पदार्थों की तस्करी के द्वारा, उसमें पंजाब के हालात आपने देखे ही होंगे। ठीक है, और अवैध घुसपैठ के द्वारा, आपके पड़ोस में सबसे बेहतर उदाहरण है अवैध घुसपैठ, नेपाल से जो है आसानी से हो जाती है, नेपाल के रास्ते से उधर वो बांग्लादेश। तो ये सब चीजें जो है आज के समय में एक नजरिया तो बदल के रख दिया कि सिर्फ ये नहीं कि जो बाहरी देश है वो सिर्फ एक बाहरी सीमा तक ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, नहीं, इसके आज के समय में अलग अलग माध्यम हो गए हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, नकली नोटों के प्रसार हो गए, और मादक पदार्थों की तस्करी हो गई, और अवैध घुसपैठ हो गई। इन सबसे वो एक राष्ट्र की संप्रभुता को या उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत उसको खतरा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें तो देख सकते हैं। अच्छा, ये भी बात है जो आज का दौर चला है, सूचना क्रांति का दौर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आई है, तो इसकी अगर बात करें तो साइबर हमले के तहत एक बाहरी राज्य किसी राज्य की जो गोपनीय संस्थाएं हैं या गोपनीय सूचनाओं को हैक कर लेता है, ये भी एक अपराध है। और जब आपकी गोपनीय संस्थाओं की जो गोपनीय जानकारी है उसको चुरा लेगा, हैक कर लेगा, तो ऐसे में जो है जिस देश की जो गोपनीय सूचनाएं हैं, संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं,
उन पर कुप्रभाव पड़ेगा, नष्ट हो जाएगी, एक हमला ही बोल देगा और ऐसे में जो व्यवस्था है वो पूरी भंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो ये भी रहा, तो इसमें थोड़ा आप देख लेंगे बाह्य राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या था, सामान्यतः अगर बात करें या सामान्य तौर पर बाह्य देशों को क्या माना जाता था, बाह्य देशों को सामान्यतः बाह्य देशों को देश की बाहरी सीमा की सुरक्षा के दृष्टिगत, देश की बाहरी सीमाओं के सुरक्षा के दृष्टिगत खतरा माना जाता था। ठीक है, खतरा माना जाता है। जो युद्ध या पारस्परिक अविश्वास के रूप में भी सामने आता है या अभिव्यक्त होता है, जो युद्ध या पारस्परिक अविश्वास की रूप में भी अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है मतलब सामने आता है, दिखता है। हाल फिलहाल में अगर इसकी ऐसी घटना की बात करें तो जैसे आप रूस यूक्रेन का देख सकते हैं, अपने यहाँ अगर जोड़े तो वो पाकिस्तान भारत के संबंध और चीन और भारत के संबंध की बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, युद्ध भी हो सकता है, युद्ध के रूप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए ही हैं, ऐसी स्थिति बनी रहती है। दूसरा पारस्परिक अविश्वास, इसका मतलब ये है कि भाई तुम हम पे विश्वास नहीं कर रहे थे, हम तुम पे क्यों विश्वास करें, ये स्थिति बात रहती है। ठीक है, तो यही माना गया था। अब ऐसे में क्या होगा, जब पारस्परिक अविश्वास रहेगा तो ऐसे में आप देखोगे कि एक देश जो है अपनी अपनी सीमाओं को अधिक मजबूत करता है। ठीक है, तो इसके लिए हर देश अपनी अपनी सीमाओं को मजबूत करता है, सीमाओं को मजबूत करता है या अधिक मजबूत करता है और अपने सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाता है या सुदृढ़ करने का प्रयास करता है और अपनी सैन्य क्षमताओं को ये अधिक मजबूत करता है। ठीक है, सैन्य क्षमताओं को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कोई भी राष्ट्र जो है
जब उसको लग जाएगा कि बाह्य राष्ट्रों से, बाह्य देशों से उसके देश की जो सुरक्षा है, राष्ट्र की सुरक्षा है, वो खतरे में है, और पारस्परिक अविश्वास के रूप में वो व्यक्त भी होती है, तो ऐसे में हर देश चाहता है कि वो अपनी सीमा को अधिक मजबूत करे और अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाए या उसका विस्तार करे। ठीक है, अब आज के दौर की बात कर लेंगे। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो बाह्य राज्य के द्वारा किसी राज्य की आंतरिक सुरक्षा को अनेक माध्यमों से भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो माध्यम क्या है उनकी बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय, ठीक है, अनेक बाह्य देशों के द्वारा, अनेक बाह्य देशों के द्वारा किसी राज्य की आंतरिक सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा को अनेक माध्यमों, तो माध्यम क्या है, जैसे यहीं पर लिख दे रहे हैं, अनेक माध्यमों जैसे वो आतंकवाद हो गया, नकली नोटों के प्रसार हो गए, नकली नोटों के प्रचार मादक पदार्थों की तस्करी हो गई, मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से, ठीक है, और वो अवैध घुसपैठ के माध्यम से, के माध्यम से नुकसान पहुंचाया जा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, अब वही देखेंगे वो सूचना क्रांति का, क्योंकि सूचना क्रांति का भी दौर है, तो सूचना क्रांति के दौर में क्या स्थिति हो रही है, सूचना क्रांति की अगर दौर की बात करें तो ऐसे में हो सकता है कि किसी देश की जो विशिष्ट संस्थाएं हैं, तो किसी देश की विशिष्ट संस्थाओं की गोपनीय एवं सुरक्षित सूचनाओं तक वो अपनी पहुंच बना लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर हैकर के माध्यम से। तो ऐसे में क्या है, बाह्य देश, कुछ बाह्य देश जो है किसी देश की विशिष्ट संस्थाओं की
विशिष्ट संस्थाओं की, ठीक है, किसी देश की विशिष्ट संस्थाओं की और गोपनीय एवं सुरक्षित सूचनाओं तक गोपनीय एवं सुरक्षित सूचनाओं तक कंप्यूटर हैकर के माध्यम से पहुंच बनाकर, ठीक है, कंप्यूटर हैकर के माध्यम से पहुंच बनाकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, और इसको भी जो है शामिल किया जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी बाह्य राष्ट्र के द्वारा किसी देश के आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाना, ठीक है। थोड़ा इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है किसी देश की जो आंतरिक सुरक्षा के मामलों को अगर देखते हुए इसके दृष्टिगत हम तो बाह्य राज्यों की भूमिका को देख रहे थे, ठीक है, बाह्य राज्यों की भूमिका की बात कर रहे थे। इसमें देखिए अब तक ये था कि सामान्य तौर पर बाह्य जो देश हैं, इन बाह्य देशों को ये माना था कि वो देश की बाहरी सीमा तक ही जो है खतरा पैदा कर सकते हैं, ये माना जाता था कि भाई जो है बाह्य देश जो है वो बाहरी सीमा की तक ही वो अपना खतरा उनको माना जाता था। जैसे वो युद्ध के रूप में और पारस्परिक अविश्वास के रूप में ही अभिव्यक्त होता है। जैसे पाकिस्तान के द्वारा जो है भारत में वो आतंकी हमले होते हैं, युद्ध होता है इसके द्वारा और अविश्वास में है। तो कुछ समय पहले की बात अगर करें तो यही माना जाता है कि पाकिस्तान जो है हमारे सीमा जो बॉर्डर है वहां तक की जो है अपना खतरा पहुंचाता है, और खासकर वो कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसकी बात होती थी, ठीक है। यही तो माना जाता है कि बॉर्डर पे जो है आप अपने जो है सेना मजबूत कर लीजिए। इसलिए क्या करते थे कि हर देश जो है अपनी अपनी सीमाओं को, अपनी अपनी जो सीमाएं हैं उसको और अधिक मजबूत कर देते कि भाई बॉर्डर अपना मजबूत होगा तो जो बाह्य देश हैं वो अगर खतरा पहुंचाएंगे तो इन सीमा के माध्यम से पहुंचाएंगे, और हमारा जो बॉर्डर है वही मजबूत होगी तो इस खतरे को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। और सिर्फ सीमा मजबूत ही नहीं, वो अपनी सैन्य क्षमताओं को भी और सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं, यही होता है, यही सोचते हैं। मगर क्या है, वर्तमान समय की अगर बात करें तो बाह्य देशों के द्वारा वो किसी राज्य की आंतरिक सुरक्षा को जो अनेक माध्यमों के द्वारा भी खतरा पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे समय बदलता गया तो समय के अनुसार, चाहे वो वैश्वीकरण हो या फिर वो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की बात करें, तो जैसे जैसे नई नई क्रांति आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, तो वैसे अपराध के भी तरीके बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसके भी क्या हुआ, आंतरिक सुरक्षा के अनेक माध्यमों के द्वारा बाह्य देशों के द्वारा वो खतरा पहुंचाया जाता है। जैसे उसमें आतंकवाद, क्या पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जैसे नकली नोटों के प्रसार को, एक देश में हम नकली नोटों का प्रसार कर दीजिए, ठीक है, नकली नोट जो कि उस देश के वास्तव में मुद्रा वही है, नकली नोट है,
ऐसे में क्या है, वहां कहीं ना कहीं उस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये तो पकड़े जाएंगे ना, ये कहना कि नहीं पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे ठीक है। और वो मादक पदार्थों की तस्करी के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए, और फिर अवैध घुसपैठ के रूप में भी वो किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाया जा सकता है ठीक है। अब सूचना क्रांति के दौर की अगर बात करें तो ये जो बाह्य देश है वो कंप्यूटर हैकर के माध्यम से उस देश की या किसी देश की आप ये कह सकते हैं विशिष्ट संस्थान की वो गोपनीय जानकारी या सुरक्षित सूचनाओं को हैक कर लेते हैं, और जब वो हैक कर लेंगे तो फिर अपने अनुसार चलाएंगे। जैसे मान लीजिए सबसे आसान लगता है लोगों को जो हैकर होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल जो है हैक कर लिया हैकर के द्वारा, ठीक है। जो महानगर हो गए हैं, राजधानी हो गई हैं, उनमें कितनी भीड़ भाड़ होती है, काफ़ी होती है, ऐसे में जो है ट्रैफिक सिग्नल हैक कर लिया और रेड लाइट दिखा रखी है, ऐसे में क्या होगा, जाम लग जाएगा बहुत लंबा जाम लग जाएगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं, जाम लगेगा। चौबीस चौबीस घंटे का आपने देखा होगा तो दो दिन का जाम लगा जाता है, ऐसे में कानून व्यवस्था भी उठेगी, सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठेगा ठीक है, और हो सकता है कहीं न जाने कितने लोगों की जान भी चली जाए भाई, फिर चाहे एम्बुलेंस हो या फिर वो पुलिस की गाड़ियां हो, फायर ब्रिगेड हो, तो इनको रास्ता नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा में तो सेंध लग रही है ठीक है। तो ये भी जो है अब वर्तमान समय में इसको भी सूचना क्रांति के दौर में या इसके माध्यम से पहुंचाए जाने वाले क्षति को भी वो अब आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा में शामिल किया गया ठीक है। तो ये जो है हम नेशनल स्टेट की बात करें, अब बात करें नॉन स्टेट की बात करते हैं ठीक है। तो आप लोगों ने लिख लिया, नोट कर लिया ना, ये ठीक है, आगे देखते हैं। नॉन स्टेट में किए गए जब हम बात करेंगे तो थोड़ा आपको आईआर की तरफ जाना पड़ेगा। नॉन स्टेट की भूमिका को देखेंगे ठीक है। देखिए ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जहां संप्रभुता वाली बात आती है तो वहां आप ये कह सकते हैं कि किसी देश की जो राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, किसी देश की वो राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, इन सब को उसी देश के द्वारा विनियमित भी किया जाता है, रेगुलेट भी किया जाएगा ठीक है, और निर्देशित भी किया जाता है और उस पर नियंत्रण भी किया जाता है। ये उसी देश का होता है, उसी देश का होता कि नहीं। और जब उस देश पर कोई दूसरा देश उसमें होने वाली व्यवस्था को नियंत्रित करे तो तब आप कहेंगे कि ये जो है नॉन स्टेट की भूमिका है, इसका मतलब उस राज्य की भूमिका नहीं है जैसे वो दूसरे राज्य करते हैं। इसमें क्या है, नॉन स्टेट में आप पढ़ोगे कुछ तो ऐसे हैं कि जो वास्तव में किसी देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार की बात करते हैं, मगर कुछ ऐसे नॉन स्टेट संगठन आप कह लीजिए जो सिर्फ और सिर्फ खतरा ही उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे वो नेटो की बात कर लें, यूएनओ की बात कर लें ठीक है, ग्रीन पीस की बात कर लें। अगर नेटो यूएनओ की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे जैसे अभी रूस और यूक्रेन का मामला हुआ तो ऐसे में क्या है वो, चलो ये तो आप कह सकते हैं कि भाई इसमें वो लोग जो है अगर उद्देश्य वास्तव में ये है कि वो यूक्रेन को हेल्प करना ठीक है, तो बात अलग है कि वो चलो आर्थिक स्थिति से सामरिक दृष्टि से हेल्प कर रहे हैं ठीक है, मगर वहीं अगर आपकी इंडिया में कोई डेवलपमेंट होगा यहाँ पे आप जो है नई नई औद्योगिक इकाइयाँ लगाएंगे, अब उन इकाइयों से
ये तो बात सही है कि प्रदूषण भी होगा, जहरीला पानी निकलेगा, केमिकल निकलेंगे, ठीक है, पॉल्यूशन होगा, धुआं निकलेगा, ठीक है, तो वो तो ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि देखिए प्रदूषण की दृष्टिगत आप अपने यहाँ की औद्योगिक क्रांति को बंद कीजिए, ये कहाँ की बात होगी? आपने तो कर लिया अपने यहाँ विकास डेवलपमेंट, अब जब हम कर रहे हैं तब बड़ी दिक्कत आ रही है, तब पूरी मानवता की बात हो रही है, तब पर्यावरण को सामने लेके आ रहे हो, तब मानवता को सामने लेके आ रहे हो। तो ऐसा नहीं है, पहले आप जो है इसके एक जो है रास्ता निकालिए, या तो आप इसको कम कीजिए या बंद कीजिए, आपने तो कर लिया ना। इससे सभी ऐसा तो नहीं है कि इस पृथ्वी पे सभी जो देश हैं वो पूरे विकसित हो गए हैं, नहीं है, ठीक है, कुछ विकसित हो गए हैं और कुछ जो है अल्पविकसित है, कुछ जो है विकासशील है और कुछ जो है अभी पिछड़े और कमजोर देश है। अब एक विकसित देश ये कहने लगे, एक संस्था ये कहने लगे कि अल्पविकसित देश से, विकासशील देश से, कि आप अपने यहाँ जो डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो ये कहाँ की बात हो गई? इसका मतलब है कि वो उस देश में होने वाली आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, ये चीज तो कर रहा है। यही होती है वो नॉन स्टेट की भूमिका, ठीक है, यही होती है नॉन स्टेट की भूमिका। तो इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि परंपरागत तौर पर किसी देश की तौर पर किसी देश की भाई किसी देश की वो राजनीतिक ठीक है राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को क्या करता है? विनियमित, निर्देशित और नियंत्रित व्यवस्था को विनियमित, निर्देशित और नियंत्रित करने में उस राज्य या फिर उससे संबंधित अभिकरणों की भूमिका केंद्रीय होती है, ठीक है, उन्हीं की तो भूमिका होती है। तो नियंत्रित करने में राज्य एवं उससे संबंधित, नियंत्रित करने में राज्य एवं उससे संबंधित अभिकरणों की भूमिका केंद्रीय होती है। इसका मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि उस राज्य उस देश की संप्रभुता बरकरार होती है, सिंपल सा मतलब कहने का यही है इसका। लेकिन आप देखोगे वो वैश्वीकरण के बढ़ते दबाव के कारण क्या स्थिति हो जाती है उसकी बात करेंगे। तो लेकिन
वैश्वीकरण के बढ़ते दबाव के कारण लेकिन वैश्वीकरण के बढ़ते दबाव के कारण आप देखो किसी राज्य में चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर हो दबाव के कारण किसी देश में नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका में वृद्धि हुई है राज्योत्तर कर्ताव की भूमिका में वृद्धि हुई है। ये जो राज्योत्तर कर्ताएं हैं दरअसल और राज्य की संप्रभुता के मामले में भी जैसे कि वो मानवाधिकार है और पर्यावरण है, मानवाधिकार और पर्यावरण के कारणों का सहारा लेकर दबाव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी देश में दंगे चल रहे हैं, दंगे हो गए हैं, ठीक है, हर देश में की अगर बात है कि जैसे एक परिवार है उसमें तो झगड़े होते ही रहते हैं, ठीक उस तरह से देश की बात है, देश में क्या है आज दिन छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। पर इस चीज का हवाला जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, राज्योत्तर जो संस्थाएं हैं, संगठन है, वो कहने लगे कि भाई देखिए आपके यहाँ हम निवेश नहीं करेंगे। भाई क्यों, क्या वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण मान लीजिए अमेरिका से हमने पैसा लिया, ठीक है, निवेश करने के हम उससे बात कर ही रहे हैं कि हमें जो है आप हमारे यहाँ आके निवेश कीजिए, और वो कहेगा कि नहीं आपके यहाँ निवेश नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि आपके यहाँ जो है मानवाधिकार वाला मामला कुछ है नहीं, आपके यहाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है, आपके यहाँ जो है आप कहते कि सांप्रदायिकता है ही नहीं, तो यहाँ तो दंगे फसाद होते हैं, ये सांप्रदायिक हिंसा होती है, तो ऐसे में चीज के लिए दबाव बनाया जाता है। दूसरा कि पर्यावरण की अगर बात करें तो आपके यहाँ तो बिल्कुल पर्यावरण का अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रदूषण यही है, दिल्ली जैसे शहर में है, तो भाई हम ऐसे में जो है आपके साथ नहीं आने वाले। तो इन सब चीज का वो चाहे मान्य हो मानवाधिकार हो या फिर पर्यावरण हो, इन सब चीज का सहारा लेकर वो क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं, इन सब चीज का सहारा लेकर के दबाव बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि भूमिका में वृद्धि हुई, इसके तहत ये किसी देश पर मानवाधिकार अथवा पर्यावरण मानवाधिकार अपना अथवा पर्यावरण जैसे मामलों का सहारा लेकर दबाव बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। जैसे उदाहरण से आप ये समझ लीजिए कि एक घर में क्या है झगड़ा हो रहा है, उस परिवार में जो है महिला का पति उस महिला को रोज पीटता है, गाली गलौज देता है, मारता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है, तो ऐसे में क्या है अगर पड़ोस में आप रह रहे हैं, आपने कहा यार रोज रोज का मामला हो गया है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो क्यों ना इससे बात की जाए, ठीक है, तो आप मानवता के नाते बात करोगे, कहोगे भाई देख इस तरह के झगड़े उगड़े आप बंद कर दीजिए, ठीक है, और नहीं करेंगे तो फिर हमसे बुरा नहीं होगा। इसमें क्या हुआ, हस्तक्षेप हो गया, ठीक है,
आप क्या कहा, क्या आपने निर्देश दे दिया उसको, चेतावनी दे दी, ये चीज तो ठीक। ऐसे में क्या हुआ, आप फिर वो निर्देशित भी करने लगे, ठीक है, और नियंत्रित और विनियमित भी करने लगे कि आप खबरदार हो जाइए, अगर आगे से ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपने उसको निर्देश दे दिया, ठीक है, और वो भी समझे कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो हो सकता है कुछ और कार्रवाई हो, सकता है कि मारपीट भी हो जाए, हो सकता है पुलिस को ये खबर कर दे। तो ऐसे में क्या, आप उसको अपने तरीके से चला रहे हैं, ठीक है, तो विनियमित हो गया और नियंत्रण तो उस पर हो ही गया। और जबकि क्या था, परंपरागत तौर में संप्रभुता का मतलब तो यही होता कि किसी जो है देश की वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को वो देश जो है विनियमित करेगा, निर्देशित करेगा और नियंत्रित करेगा, यही संप्रभुता का मतलब है, ठीक है। लेकिन वैश्वीकरण का जैसे जैसे दौर बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन का जैसे जैसे दौर बढ़ा, तो इसमें आप देखोगे कि किसी देश में वो बाह्य राज्यों की जो कर्ताव्य की भूमिका है उसमें वृद्धि हुई। इसके तहत वो किसी देश पर क्या करते हैं, मानवाधिकार या पर्यावरण ऐसे मामलों का सहारा लेते हैं और दबाव बनाते हैं, ठीक है, दबाव बनाते हैं। अब आगे देख लेंगे, जैसे इनमें क्या है, अनेक जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो सुरक्षा और विकास की दृष्टि से सकारात्मक भूमिका भी निभाते हैं, ठीक है, तो उनकी बात कर लेंगे। इसमें क्या है, अनेक नॉन स्टेट एक्टर सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि से सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और वही कुछ क्या है, चुनौती और खतरे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो वही कुछ नॉन स्टेट एक्टर वो चुनौतियां एवं खतरे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, चुनौतियां एवं खतरे उत्पन्न करते हैं। जैसे हम ये कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स को देख लेंगे जो महत्वपूर्ण है, उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप अनुमान लगा लेना कि कुछ जो है वो सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि से सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और कुछ क्या है वो चुनौतियां एवं खतरे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जैसे नेटो हो गया, यूएनओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, जैसे नेटो, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ और ग्रीन पीस और क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये संगठन हो गए, ठीक है, नेटो, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, ग्रीन पीस,
सार्क, आशियान, यूरोपीय यूनियन, इनको भी लिख सकते हैं। सार्क, आशियान, यूरोपियन यूनियन, ये आप लोगों को आईआर में पढ़ाए होंगे कि नहीं, पढ़ाए कि नहीं? हाँ ठीक है, पढ़ाए है ना, पढ़ाए नहीं थे क्या आप? आए नहीं थे। ये गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, जो पर्यावरण को देखता है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। वही आप देखोगे कुछ हिंसक सशस्त्र समूह है, उनकी बात कर लेंगे। कुछ क्या है, हिंसक सशस्त्र समूह की बात कर लेंगे। तो हिंसक सशस्त्र समूह में आप जैसे अलकायदा हुआ, अलकायदा को रखेंगे, आईएसआई को रखेंगे, ठीक है, अलकायदा, आईएसआईएस, और आप रख सकते हैं वो नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले समूह, ठीक है, जिन्होंने पंजाब में जो है अपना पूरा नियंत्रण कर रखा था, आधे से आधे ज्यादा पंजाब को नशे की गिरफ्त में कर लिया इन ग्रुपों ने, इन समूहों ने, ठीक है, जो नशीले पदार्थों की बिक्री कर दिया। उड़ता पंजाब आप लोगों ने देखी कि नहीं? हाँ, वही उसी में जो है दिखाया गया। और बच्चे कुछ आप जो धार्मिक हैं, जातीय और भाषाई संगठनों की भी बात कर लेंगे। तो धार्मिक, जातीय एवं भाषाई संगठन, धार्मिक, जातीय एवं भाषाई संगठन, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या है, सभी राज्यतर कर्ता के रूप में कार्य करते हैं। अब इन नॉन स्टेट एक्टर्स में आप देख लोगे कि कुछ क्या है, वो किसी देश की सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि से सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने देखा नेटो, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सार्क, आशियान और यूरोपीय यूनियन, ठीक है, व्यापार की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से ये भूमिका निभाते ही हैं, ठीक। और कुछ क्या है, वो चुनौती एवं खतरे उत्पन्न करते हैं, जैसे अलकायदा। अलकायदा तो आपको पैसे नहीं देता ना, आपके विकास के बारे में नहीं सोचता ना, जैसे आईएसआई है, ये तो आपको शिक्षा, ये पैसे की बात नहीं करता, आपके यहाँ विकास की बात नहीं करता, ये सिर्फ उसे खतरा उत्पन्न करता है, चुनौतियां उत्पन्न करता है, ठीक है। और नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले समूह, ठीक। अब बात करते हैं धार्मिक, जाति और भाषाई संगठन। देखिए धार्मिक, जाति और भाषाई संगठन कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में वो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चुनौतियां और खतरे उत्पन्न करते हैं, जो कि जैसे उनमें आप देखो इस्लामिक अगर संगठनों की बात करें तो इस्लाम की मूलभूत जो उसमें बातें हैं उसको दरकिनार कर देते हैं, उन बातों को बच्चों को बताते ही नहीं है, और वो फिर एक गलत दिशा में एक आतंक फैलाने के रास्ते पर चल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ जो है ऐसे हैं जो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, और कुछ जो संगठन है वो सिर्फ और चुनौती और खतरे ही उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये देख लिया आपने नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका। इसी में आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जैसे आप देखो कि सदी उसी सुरक्षा के प्रति यही सोच रही है कि दुश्मन जो देश जो है वो केवल बाह्य सुरक्षा के लिए ही खतरा या चुनौती उत्पन्न कर सकता है, मगर आप वर्तमान समय में देखोगे इसकी सोच में काफी बदलाव आ गया,
कि सिर्फ जो है हम बॉर्डर पे फोर्स खड़ा करने से ही काम नहीं चलेगा। सिर्फ अगर हम अपने बॉर्डर पे ही फोर्स खड़ा कर दें और सोचें कि हमारे जो आंतरिक सुरक्षा है वो मजबूत है तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आजकल जैसे नई नई तकनीकी आई, सूचनाओं का विकास हुआ और जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, नई आर्थिक नीति को अपनाया गया, ऐसे में क्या आया, फिर एक दूसरे के देश में आना जाना हो गया, लोग आने जाने लगे। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि बाहर बैठ के ही आपके देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करे कोई, आपके देश में आके, और हो सकता है कि यहाँ के लोगों को जो है प्रलोभन देखे, जो कि गरीब और पिछड़े लोग हैं, जो कि असक्षम लोग हैं, उनको भड़का दे, उनको लालच दे करके उन्हीं के माध्यम से गैर राष्ट्रीय कार्य करा दे, ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिला दे, ऐसा तो हो सकता है। अब ऐसे में आप क्या रोकोगे, किसको रोकोगे? ठीक है, तो यही सोच में क्या है, काफी बदलाव आया है और परिवर्तन आया है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि देश के सामने आज के समय में कई आंतरिक चुनौतियां भी सामने आई हैं। ठीक है, आज केवल इसलिए जो है कुछ ऐसे संगठन जिंदा है क्योंकि उन्हें विदेशों से सहायता मिल रही है। ठीक है, ऐसे संगठन सिर्फ इसलिए जिंदा है जो किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं, वो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उनको विदेशों से सहायता मिल रही है, और सहायता ही नहीं उनको निर्देश भी मिल रहे हैं, उनको निर्देश भी मिल रहे हैं, सिर्फ इस वजह से जिंदा है। अगर हम इन विदेशी सहायता को और उनसे मिलने वाले बढ़ावे को, निर्देशों को समाप्त कर दें तो काफी हद तक जो है हम वो अपनी आंतरिक सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसको देख लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे वो आतंकवादी की। ठीक है, तो ये आपने देख लेना, हमने क्या देखा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में हम देख रहे थे वो बाह्य देश या बाह्य राज्य की भूमिका, और दूसरे नंबर पर हम देख रहे थे और राज्यतर कर्ताओं की भूमिका, नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका। ठीक है, दोनों को देख लिया। अब इसमें हमने देखा था वो आतंकवाद और अलगाववाद। ठीक है, आतंकवाद और अलगाववाद को पढ़ेंगे, उग्रवाद आपने पहले पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो आतंकवाद और अलगाववाद को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसमें तेजी से ये लास्ट की जो लाइन मैंने बोली थी वो लिख लो तेजी से। सदियों से सुरक्षा के प्रति यही सोच रही है कि दुश्मन देश केवल बाह्य सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करते हैं, लेकिन वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा संबंधी इस सोच में व्यापक परिवर्तन आया है यह सोच में व्यापक परिवर्तन देखा गया है।
कई देश के सामने या किसी देश के सामने, ऐसा लिख लीजिए, किसी देश के सामने कई आंतरिक चुनौतियां, कई आंतरिक चुनौतियां आज केवल इसलिए जिंदा है, आज केवल इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्हें विदेशों से सहायता एवं निर्देश प्राप्त होता है, क्योंकि उन्हें विदेशों से सहायता एवं निर्देश प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी में हमारा टॉपिक था आतंकवाद। टेररिज्म की बात कर लेंगे, ठीक है, आतंकवाद की, फिर वो अलगाववाद सेपरेटिज्म की बात कर लेंगे। तो जब हम आतंकवाद समझने की कोशिश करेंगे तो इसको अलग अलग लेवलों पे अलग अलग संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी वैश्विक संदर्भ, क्या सिर्फ आतंकवाद की समस्या है उससे सिर्फ भारत ही जूझ रहा है? इससे तो दुनिया के हर देश लगभग लगभग जूझ रहे हैं आतंकवाद की समस्या, चाहे वो अमेरिका को मान लीजिए, चाहे रूस हो, ब्रिटेन हो, ब्रिटेन तो क्या हुआ मामला अलग है उसका, पर रूस अमेरिका इन सबको या भारत अपना, ये भी क्या है आतंकवाद की समस्या जूझ रहे हैं। ठीक है, तो वैश्विक संदर्भ में देखेंगे और फिर अपने राष्ट्रीय संदर्भ में देख लेंगे और फिर एक विशेष संदर्भ जो कि वो जम्मू और कश्मीर वाला मामला है उसमें देख लेंगे। ठीक है, आपने नॉर्थ ईस्ट तो पढ़ लिया था ना, वो उग्रवाद नक्सलवाद के संबंध में, अलगाववाद में पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं वो कहाँ देखने को नजर में आती हैं? अपने यहाँ भारत के विशेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो तीन हम जो है इसके संदर्भ लेके चलेंगे। ठीक है, तीन रेफरेंस देखेंगे। तो आतंकवाद में एक तो जो है हम सबसे पहले वो वैश्विक संदर्भ की बात करेंगे। वैश्विक संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, और तीसरा फिर देख लेंगे वो विशेष संदर्भ जम्मू कश्मीर। विशेष संदर्भ में हम जम्मू कश्मीर को भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले आतंकवाद को समझ लेंगे, आखिर ये इसका क्या अर्थ है, अर्थ के साथ इसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्या मंशा होती है, उसकी बात कर लेंगे। देखिए, आतंकवाद को आप ये कह सकते हैं कि दरअसल आतंकवाद जो है एक वैचारिक संघर्ष है, विचारात्मक संघर्ष है, और जो वर्तमान सत्ता को, जो किसी देश की मौजूद सत्ता है, उस सत्ता को या उस व्यवस्था को हिंसा के माध्यम से या हिंसात्मक तरीके से विरोध करता है, उस सत्ता का हिंसात्मक तरीके से विरोध करता है, और भय और आतंक के द्वारा, भय और आतंक के द्वारा उस व्यवस्था, उस सिस्टम, उस सत्ता में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कई ऐसी मूवियां देखी होंगी आतंकवाद पर जो बनाई गई मूवियां हैं,
और सब बोलते हैं कि अल्लाह कसम अगला जो है सूरज हम कश्मीर में निकालेंगे, ठीक है, अगली सुबह हमारे कश्मीर में होंगे, ठीक। तो ऐसे कई मामले हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, बेचारा को लेके चल रहे हैं और हाथों में उनके हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, AK-47 होती है, ठीक है, आधुनिक हथियार होते हैं, ठीक। वैचारिक संघर्ष भी है, हिंसा को लेकर के वो साथ चलते हैं और हिंसा के बल पे ही लोगों के अंदर जो है डर आतंक पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, और जब डर आतंक भय पैदा हुआ लोगों के मन में तो फिर वो कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनाएंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे, और कोई नहीं चाहता व्यक्ति कि वो जहां रह रहे हो असुरक्षा की भावना उनके मन में रहे, और जैसे असुरक्षित महसूस करेंगे तो इससे क्या होगा, सरकार पलटने का डर रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा, नहीं भाई ये सरकार ठीक नहीं है, आता हम सुरक्षित है नहीं, ठीक है। तो यही चीज है कि आतंकवाद को आप ये कह सकते हैं कि एक विचारात्मक संघर्ष है, ठीक है। तो वैसे कि इस तरह के देखेंगे, उससे पहले हम आतंकवाद को समझ रहे हैं, तो आप कहेंगे इसमें विचारात्मक संघर्ष, विचारात्मक संघर्ष जो क्या करता है, वर्तमान सत्ता या व्यवस्था का जो वर्तमान सत्ता या व्यवस्था का जो वर्तमान सत्ता व्यवस्था का कैसा विरोध करता है, हिंसात्मक, हिंसात्मक विरोध करता है, और इसी हिंसा के जरिए वो वहां के लोगों में, जनता में भय और आतंक से और सत्ता या व्यवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है, व्यवस्था या सत्ता परिवर्तन का प्रयास करता है। जैसे आतंकवादी संगठन आप देखोगे वो ISI की बात करें, ठीक है, तो इनका तकिया गुलाम रहता है कि जो है अगले जो है हम सूरज और दिल्ली में देखेंगे, मतलब दिल्ली की जो सत्ता है, दिल्ली सत्ता से मतलब है वो केजरीवाल की बात नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो पूरी सत्ता को, पूरी सरकार को, पूरी व्यवस्था को नष्ट नाबूद करना चाह रहा है, ठीक है, यही तो सोच रखते हैं आतंकवाद की, ठीक। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आतंकवाद की अगर हम बात करें तो वो एक विचारात्मक संघर्ष है, ठीक है। देखिए आतंकवादी जहां पर गतिविधियां होंगे तो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त करने के लिए, उसमें लोगों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई तो विचारधारा होनी चाहिए ना, ताकि लोग जुड़ेंगे, चाहे वो फिर किसी ईश्वर के नाम पे, किसी सत्ता के नाम पे, ठीक है, किसी भी नाम को या किसी विचार को तो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, विचारात्मक संघर्ष है, ठीक है, कि हम ऐसा करेंगे, हमारे ये विचार है, उसको थोपने की बात हो जाए। तो
तो विचारात्मक संघर्ष है जो कि वर्तमान सत्ता जो मौजूद है, कहीं की बात करें, सिर्फ अपने इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवाद को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान सत्ता व्यवस्था का वो क्या करते हैं, हिंसात्मक विरोध करते हैं, ठीक है, हिंसात्मक विरोध करते हैं, ठीक है, और भय और आतंक से वो उस मौजूद व्यवस्था या सत्ता परिवर्तन का प्रयास करते हैं, उसको बदलने का प्रयास करते हैं, यही जो है आतंकवाद है, ठीक है। फिर सिंपल भाषा सरल शब्दों में ये है, अब देखिए इसकी क्या क्या रूप हो सकते हैं, ठीक, आतंकवाद के रूप, रूप, ठीक है, आतंकवाद के रूप की बात करें तो देखिए जहां धार्मिक विचारधारा को लेकर के संघर्ष हो जाए, ठीक है, तो उससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो धार्मिक आतंकवाद को बढ़ावा मिले, तो ये देखेंगे वो धार्मिक विचारधारा से वो धार्मिक आतंकवाद एक धार्मिक विचारधारा अगर किसी पे जबरदस्ती थोपी जाए, ठीक है, या उस विचारधारा का विरोध किया जाए, संघर्ष हो जाए, तो ऐसे में क्या है, वो धार्मिक आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है या धार्मिक आतंकवाद सामने आएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था कि कोई ना कोई तो विचारधारा होनी चाहिए, तो चाहे वो धर्म को केंद्र में रख लें यहाँ पर, ठीक है, कि हम जो है उनके लिए ऐसे कर रहे हैं, अपने आका के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमको पीट दीजिए, ठीक है, चाहे हमारी जान ले लीजिए, ये सुना कि नहीं, नहीं सुना, अभी 3 दिन पहले का बयान तो है, अब लोग कहाँ रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध छोड़िए, आपसे अपने संबंध नहीं ठीक होंगे अगर जागरूक नहीं रहोगे तो, ठीक है। अरे कानपुर की घटना सुनी कि नहीं, सुनिए ना, तो कुछ जाना भी करो कौन क्या बोल रहा है, ठीक है, तो उसमें बयान दिया गया ऐसे, ठीक है, चाहे आप हमें कुछ कह लीजिए, हमारे वालिद साहब को कुछ कह लीजिए, ठीक है, हमारे दादा को कुछ कह लीजिए, हमारे परिवार को कुछ कह लीजिए, मगर हमारे आका को अगर कुछ बोला तो उनकी शान में हम जो है गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और करके दिखा देंगे तुमको कुछ, समझे, ऐसे जो बयान होंगे तो आप समझ रहे हो, ऐसे में जो है फिर कहीं ना कहीं जहां पर वो धार्मिक विचारधारा का संघर्ष हो तो वहां पर वो धार्मिक आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। दूसरे अगर बात करें तो जहां पर भाषाई संघर्ष होगा, दूसरा भाषाई संघर्ष की अगर बात करें तो इससे वो भाषाई आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, भाषाई आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और तीसरा जहां पर आपने देखा होगा नस्लीय श्रेष्ठता की बात आती है कि हम गोरे हैं आप काले हैं, ठीक है, काले लोग बेकार होते हैं, ठीक है, वे पिछड़े होते हैं, ठीक है, और इनको जो है दास बनाए के ही रखा जाना बेहतर होगा, तो इस तरह की जहां विचारधारा आती है जहां पर नस्लीय श्रेष्ठता का मामला आता है, जहां पर नस्लीय श्रेष्ठता का मामला आता है तो वहां आप देखोगे नस्लीय आतंकवाद जन्म लेता है, नस्लीय आतंकवाद, नस्लीय आतंकवाद जन्म लेता है, ठीक है।
और आप देखोगे ये सभी जो जातीय कारण है इन सबसे पनपा आतंकवाद वो सांस्कृतिक आतंकवाद बन के सामने आता है। तो जातीय कारणों से पनपा संघर्ष लिख लीजिए वो सांस्कृतिक आतंकवाद के रूप में सामने आता है। जैसे आप कहने लगे कि नहीं नहीं हिजाब वाला मामला है, ठीक है, अब किसी देश में चलो पहना जा रहा है किसी में नहीं है रहा, तो आप इस चीज को लेकर ही कि हमारे संस्कृति पर ठेस पहुंच रही है, ठीक है, और महसूस करके हाँ इससे तो जो है हमारे जो पवित्र पुस्तक है उसमें ऐसा लिखा है कि हिजाब पहनना है नहीं पहनना है, ठीक है, ऐसे में क्या है वो निर्जातीय कारणों से पनपा संघर्ष और सांस्कृतिक आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो क्या उसमें धर्म वाला मामला होगा कि नहीं, धर्म वाला मामला होगा, भाषा वाला होगा और फिर नस्ली श्रेष्ठता। तो आप ये ओवरऑल इन तीनों को इसमें शामिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, इन तीनों को इसमें शामिल कर सकते हैं। क्या राजनीतिक संघर्ष और सत्ता संघर्ष नहीं होता? होता है, ठीक है, तो राजनीतिक संघर्ष या सत्ता संघर्ष जहां होता है तो वहां भी आप क्या कहेंगे राजनीतिक आतंकवाद, तो लिख लीजिए, हालांकि शब्द ऐसा नहीं है मगर आप याददाश्त के तौर पर लिख सकते हैं, समझने के तौर पर। देखिए आप जब देखोगे आज के समय में पूरा का पूरा क्या था कि पहले राजनीति आप कर रहे हैं तो अपराध हो जाता था, ठीक है, अब क्या है अपराध करेंगे तब राजनीति हो रही है, तो पूरी तरह से राजनीति का अपराधीकरण कर दिया गया है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप जहाँ पे राजनीति संघर्ष होता है या सत्ता संघर्ष की बात आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं राजनीतिक आतंकवाद भी देखने को मिल जाएगा या अंतेगा, ठीक है, ऐसा शब्द है नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ राजनीतिक आतंकवाद शब्द ऐसे है नहीं मगर आप याददाश्त के तौर पर लिख सकते हैं राजनीतिक आतंकवाद, ठीक है। आर्थिक वंचना से उभरने वाला संघर्ष ये भी सामने आता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है उग्रवाद वगैरह ये सब चीज पढ़े कि नहीं, आप उग्रवाद और जहां पे वो नस्लवाद की बात कर रहे थे नक्सलवाद की बात कर रहे थे तो ऐसे में आप देखोगे तो इनके पनपने के कारणों में केंद्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ज्यादा नजर आती है वो गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है, तो आर्थिक वंचना भी कहीं ना कहीं वो इन सब चीज को बढ़ावा देती है। यही लिख देते हैं वो आर्थिक वंचना, ठीक है, आर्थिक वंचना। इसलिए क्या है जो गरीब लोग होते हैं गरीब लोगों को ही या पिछड़े लोगों को अशिक्षित लोगों को ही ये टारगेट करते हैं, जो आतंकी संगठन है आतंकी समूह है ये देखते हैं कि इनको पैसे की जरूरत है, इनको पैसे की जरूरत है और हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, ठीक है, जिसको हम जरिया बना सके जिसको मोहरा बना सके, तो ये टारगेट करते हैं कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको टारगेट करेंगे, ठीक है, जो अशिक्षित है उसको टारगेट करेंगे,
और उसको अपने चंगुला फंसाएंगे। अब जिस व्यक्ति को, देखिए आपने पढ़ा होगा आईआर में भी, ये जो आतंकवादी संगठन है इनको विदेशों से सहायता प्राप्त होती है, भारी मात्रा में सहायता है, तो पैसे की तो कमी नहीं है इनके पास, ठीक है। ये बस देखते हैं कि किस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, उसको जरूरत है, वो आर्थिक वंचना की स्थिति से गुजर रहा है, उसी को टारगेट करेंगे, उसको लगा दिया जाएगा कि देख भाई तेरी अगर नौकरी लग भी जाती है तो पूरी लाइफ में तो 2 करोड़ नहीं कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। उसको बोलेगा ना नहीं कमा पाऊंगा, तो पहले बात नौकरी लेगी तब ना, वो सारे इफेक्ट ला के रखते हैं, सारे इफेक्ट उसके सामने ला के रखते हैं कि आपकी सरकार ऐसी है, आप पे ध्यान नहीं दे रही, इतने सदियों से आप गरीब के गरीब हो, बताइए क्या ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियों में वो गरीब व्यक्ति, अशिक्षित पिछड़ा व्यक्ति ही जो है वो मोहरा बन के सामने आता है। हम उसकी बात नहीं करेंगे, इसको इसका संचालन कौन कर रहा है, इन संगठनों का, इन समूहों को कौन संचालित कर रहा है, उसकी बात नहीं करें। जो संचालित कर रहे हैं उनका तो स्तर काफी अलग है, शिक्षा के मामले में वो, तकनीकी के मामले में वो तो पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, वो इन संगठनों को चला रहे हैं, और जो इनको सहायता दे रहे हैं वो लोग भी ठीक ठाक योग्यता रखते हैं, मगर जो मोहरा बनते हैं वो गरीब अशिक्षित और पिछड़े लोग ही इसकी गिरफ्त में आते हैं, जो आर्थिक वंचना का दंश झेल रहे होते हैं। अब बताइए किसी एक व्यक्ति से जिसने कभी जो 2 टाइम का खाना भरपेट नहीं खाया, ठीक है, हमेशा जो है वो अपने परिवार की स्थिति को देख के या खुद अपनी स्थिति को देख के जो है यही सोचता कि बाकी पैदा क्यों होगा, इससे अच्छा तो मरना ही है। और आपने देखा कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि जब भाई मरना है तो इस देश ने तुझे क्या दिया, तो कुछ हमारे लिए काम कर और हम तुझे 2 करोड़ रुपया देंगे, तो कहेगा मर के फिर मैं ये करूंगा। अरे तू तो अपने परिवार के लिए तो करेगा कि नहीं, कि ठीक है तेरे परिवार, वो पहले पैसा भी दे देते हैं कि देखिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए 2 करोड़ गिरा, इससे आपका पूरा परिवार की लाइफ सेट हो जाएगी और बस आपको जो है हमारा साथ देना है। तो ऐसे मामले सोचता है कि चलो, और सोई चॉइस रहती है कि देख अगर तू आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुआ, और रूप अलग देते हैं उसका, ठीक है, ताकि आपको महसूस ही नहीं होगा, आप फिर जो है एक शक्ति पर अपने आका पर यकीन करो, अरे वाह ऐसी चीज है तो जन्नत में जाऊंगा, इस तरह से 72 पूरे मिलेंगी, ये वाला मामला रहता है। शिक्षा भी ऐसी रहती है, प्रशिक्षण भी ऐसी रहता है, ठीक है, पैसे में कोई बात नहीं, चॉइस ही रहती है कि देखो अगर आप ने मार दिया और सेफ बची आ गए तो वो आपकी लाइफ है, फिर आपको अगली कुर्सी मिलेगी, गद्दी मिलेगी अगली, और नहीं तो मरना तो है ही, ह्यूमन बॉम्ब तो आप बनो। तो इसी सब चीज का फायदा उठाते हैं कि जहां पे आर्थिक वंचना है वहां भी आप देखोगे वो आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत कर लेते हैं वो वैश्विक संदर्भ में आतंकवाद की, ठीक है। तो वैश्विक संदर्भ में और राष्ट्रीय संदर्भ में या वैश्विक संदर्भ में इन आतंकवाद के जो पहलू हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, ठीक।